अगली खबर का रुख करते हैं। मामला बस्ती जिले के हरैया थाना अंतर्गत बड़हर खुर्द गांव का है, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने एक पक्ष पर जानलेवा हमला किया है। दोनों पक्षों को धारा 151 के तहत चालान किया गया था। सुबह दोनों पक्षों से फिर विवाद हुआ और कुछ समय पश्चात जब रोहित अपने घर से दूसरे मकान पर जा रहा था, तभी रास्ते में नहर के पास छुपकर बैठे रूपचंद्र, अमरेश और हरशंकर द्वारा धारदार हथियार से रोहित के ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे गले व पेट में चोट लगी। इसकी सूचना परिवार के लोगों को हुई और वो आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया लेकर गए, जहां पर उसका मेडिकल कराया गया। परिवार के लोगों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है और पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सी न्यूज हिंदुस्तान के लिए बस्ती से विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। रास्ते का मामला था जी, बड़े पिताजी के घर का जी। तो इन लोग कल 151 में बड़े पिताजी जी और जिनसे झगड़ा हुआ है जी, उनके ऊपर 151 लगाया गया। किससे झगड़ा हुआ है? झगड़ा अमरेश करके हैं, हरिशंकर जी और रूपचंद करके उनको सपोर्ट करते हैं। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? रास्ते को लेकर के झगड़ा है जी, बड़े पिताजी का झगड़ा हुआ था वहाँ पे जी। तो कल थाना वाना हुआ था जी, तो आज वापस उन लोग झगड़ा करने 151 हो गया था, उसके बाद भी झगड़ा करने घर पे आए जी। तो मुझे फ़ोन किया गया, मैं यहाँ रोड पे मकान बनाया हूँ जी। मेरे बड़े पिताजी के घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा रोहित वापस हम लोग झगड़ा करने आए, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ हम लोग बातें करनी हुई। वो गाली गलौज कर रहे थे, उनकी औरतें बच्चे सब गाली गलौज कर रहे थे। फिर मैं जा रहा था तो चकरोड पे रूपचंद और अमरेश हरिशंकर इन लोगों ने मिलकर मुझे मारा, भैया मुझे न्याय दिला दो जी। तो ये तो आपको काफ़ी घाव है पेट में और ये गले में जी जी जी, तो ये किससे मारे हैं? डंडे से या फिर धारदार हथियार था कुछ जी? तो आपने थाने पे इसका सूचना दिए हैं? सूचना दी है। कोई कार्रवाई हो रहा है?